क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, हमारे पास गिवन है जिसको हमने जेड मान लिया है, 1 डिवाइड बाय 5 प्लस आइटा 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 4 प्लस आइटा 5 डिवाइड बाय 3। तो जस्ट हमें क्या कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 1 बाय 5 प्लस आइटा 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 4 और माइनस आइटा 5 बाय 2। तो विदाउट आइटा वाले इकट्ठे कर लेते हैं और आइटा वाले इकट्ठे कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 4 ये हमने विदाउट आइटा वाले ले लिए, प्लस आइटा वाले देखो कितने हैं यहां पे, आइटा एक तो यहां पे है और एक यहां पे है, हमने आइटा कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 5 डिवाइड बाय 2। अब देखेंगे यहां पे जेड इज इक्वल टू यहां से 5 एलसीएम आ गया इसका, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 20 प्लस आइटा, यहां पे 10 एलसीएम आ गया इसका, 10 एलसीएम आ गया तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और यहां पे 25, तो जेड आ जाएगा हमारे पास माइनस 19 डिवाइड बाय 5 प्लस आइटा इनटू यहां से रह गया हमारे पास माइनस 21 डिवाइड बाय 10। तो देखो हो गया ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 19 डिवाइड बाय 5 और बी की वैल्यू आ गई माइनस 21 डिवाइड बाय 10। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम चले हुए, जस्ट आप एलजेब्रा जिस तरह से आप कोई जैसे हमने स्टार्टिंग में नर्सरी क्लास में काउंटिंग सीखी थी, गिनती सीखी थी, और गिनती सीखने के बाद हमने क्या किया था, फिर नंबर्स की को ऐड करना सीखा था, सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, मल्टीप्लाई करना सीखा था और डिवाइड करना सीखा था। तो वही काम है, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वही काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 में जेड है 1 डिवाइड बाय 3 प्लस आइटा 7 बाय 3 और प्लस 4 प्लस आइटा 1 बाय 3 और माइनस माइनस 4 बाय 3 प्लस आइटा, ये दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, ये 1 बाय 3 प्लस आइटा 7 बाय 3 प्लस 4 प्लस आइटा 1 बाय 3 ये लिख लिया हमने माइनस, आप ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो, तो ये तो प्लस का 4 बाय 3 हो जाएगा और ये माइनस आइटा जिस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, साइन चेंज हो गया। अब यहां से जेड, अब देखो इसको ब्रैकेट को भी ओपन कर लो, अब ये आ गया हमारे पास 1 बाय 3 प्लस आइटा 7 बाय 3 प्लस 4 प्लस आइटा 1 बाय 3 प्लस 4 बाय 3 और माइनस आइटा। अब विदाउट आइटा वाले इकट्ठे कर लो, ये है हमारे पास 1 बाय 3 प्लस 4 और प्लस 4 बाय 3, इस तरह से कर लिया प्लस आइटा। अब आइटा वाले इकट्ठे कर लो, 7 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 और आइटा हमने कॉमन ले रखा है तो ये माइनस 1। अब देखो पहले इनको इकट्ठे करते उसका एलसीएम लेते फिर बाद में जो बनता फिर इसके साथ करते, तो हमने एक बार में इकट्ठा कर दिया। अभी हमारे पास जेड हो जाएगा यहां पे इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये 1 हुआ, यहां पे 12 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा प्लस आइटा, यहां पे भी एलसीएम कितना आ गया 3, ये 7 प्लस 1 और माइनस 3, तो जेड हो जाएगा हमारे पास 12 और 1 13 17 डिवाइड बाय 3 प्लस आइटा इनटू 8 8 माइनस 7 और 1 8 8 माइनस 3 5 5 डिवाइड बाय 3। तो ये हो गया हमारे पास a प्लस आइटा b की फॉर्म में, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 17 डिवाइड बाय 3 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 डिवाइड बाय 3। ए है हमारा 17 डिवाइड बाय 3 और बी है 5 डिवाइड बाय 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चले हुए हैं, जस्ट आप एलजेब्रा ही सीख रहे हो, जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं हमारे 4 बेसिक ऑपरेशन है उसके आसपास ये सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास जेड 1 माइनस आइटा इज टू पावर 4। अब आप देखें
एक ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है, तो अभी फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं, वन माइनस आइटा स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ऐसे लिख दिया और फोर को ब्रेक कर दिया। अब यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी और इसका भी स्क्वायर है जेड। ये हो गया हमारे पास वन, आइटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन और माइनस टू आइटा, जेड इज ये तो कैंसिल हो गया, माइनस टू आइटा और स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया फोर आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, माइनस वन की फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस फोर हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे हम माइनस फोर प्लस आइटा इंटू जीरो या जीरो आइटा, तो ये हो गया हमारे पास ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस फोर और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जीरो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन चले हुए। क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे पास, जेड इज इक्वल टू वन बाय थ्री प्लस थ्री आइटा क्यूब होल क्यूब। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करते हैं, जेड इज वन बाय थ्री क्यूब प्लस थ्री आइटा क्यूब प्लस थ्री इंटू वन बाय थ्री इंटू थ्री आइटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हमने लिख दिया इसको। अब देखो जेड है हमारे पास, ये हो गया वन डिवाइड बाई 27 प्लस 27 आइटा क्यूब, ये हो गया हमारे पास 27 आइटा क्यूब, थ्री के साथ थ्री कैंसिल हो गया, प्लस थ्री आइटा वन बाय थ्री प्लस थ्री आइटा, जेड इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई 27, आइटा क्यूब कितना होता है आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा, तो ये माइनस के 27 आइटा ये बन गया ये हमारे पास। अब यहां से प्लस जब इसकी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री कैंसिल आइटा रहेगा, प्लस जब इसकी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नाइन और साथ में आइटा स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई 27 माइनस 27 आइटा प्लस आइटा और आइटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो ये हो जाएंगे माइनस के नाइन। अब देखिए जेड इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई 27 माइनस नाइन, ये तो अलग इकट्ठे कर लिए, और यहां से देखो माइनस के 27 आइटा और प्लस का वन आइटा, तो माइनस के 26 आइटा रह जाएंगे, माइनस के 26 आइटा। अब यहां से इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो जेड इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 27, तो वन माइनस 63 से थ्री और ये 24 माइनस 26 आइटा, तो जेड आ गया हमारे पास माइनस 242 माइनस 242 डिवाइड बाय 27 माइनस 26 आइटा, या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस 242 डिवाइड बाय 27 ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखना है ना, तो प्लस आइटा इंटू माइनस 26 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो ये हो गया ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 242 डिवाइड बाय 27 माइनस 242 डिवाइड बाय 27 और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 26, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
और इसी टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। टेंथ है हमारे पास जेड इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन बाय थ्री आइटा होल क्यूब। अब देखो जैसे माइनस टू क्यूब, देखो क्यूब की वजह से माइनस बाहर आएगा एट। अब यहां से क्यूब है, यहां हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बाहर ये माइनस बन के जाए। अब ये हो गया टू प्लस वन बाय थ्री आएगा क्यूब। अब हम ये ए प्लस बी सॉल्व क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहां पे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, ये माइनस साथ में लेके चलना पड़ता हर बार। अब वो माइनस पूरे से बाहर रह जाएगा माइनस। अब यहां ऐसे कर लेते हैं टू क्यूब प्लस वन डिवाइड बाय थ्री आइटा क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, थ्री ए और बी इंटू ए प्लस बी टू प्लस वन बाय थ्री आइटा, ये आ गया हमारे पास। तो जेड इज इक्वल टू माइनस टू क्यूब एट हो जाएगा प्लस वन डिवाइड बाय ट्वेंटी सेवन आइटा क्यूब प्लस ये हो गया हमारे पास टू आइटा, टू प्लस वन बाय थ्री आइटा, ये आ गया हमारे पास। जेड इज इक्वल टू माइनस एट माइनस वन बाय ट्वेंटी सेवन आइटा, आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा, आइटा क्यूब की जगह पे हमने माइनस आइटा लिख दिया प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आइटा और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस के टू बाय थ्री आइटा स्क्वायर, टू डिवाइड बाय थ्री आइटा स्क्वायर। जेड इज इक्वल टू माइनस एट माइनस वन डिवाइड बाय ट्वेंटी सेवन आइटा प्लस फोर आइटा और आइटा स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस के टू बाय थ्री। अब हम क्या करते हैं विदाउट आइटा वाला को एट माइनस टू बाय थ्री ये ले लिया हमने और आइटा के साथ कौन है, देखो आइटा हमने ले लिया कॉमन तो एक तो ये है हमारे पास एक ये है टर्म माइनस वन बाय ट्वेंटी सेवन और प्लस के फोर, तो इस तरह से लिखा हमने जेड इज इक्वल टू माइनस एलसीएम कितना आ गया हमारा थ्री, थ्री जब एलसीएम आया तो ये ट्वेंटी फोर माइनस टू प्लस आइटा, यहां से एलसीएम आ गया हमारे पास ट्वेंटी सेवन, ये हो गया माइनस वन और ये हो गया वन जीरो एट, यहां पे पहुंच गया। यहां लिख लेते हैं जेड इज इक्वल टू माइनस कितने बचे ट्वेंटी टू डिवाइड बाय थ्री प्लस आइटा, यहां पे आ गए वन जीरो सेवन डिवाइड बाय ट्वेंटी सेवन, ये आ गए हमारे पास। अब इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी टू डिवाइड बाय थ्री, माइनस ट्वेंटी टू डिवाइड बाय थ्री और माइनस आइटा और वन जीरो सेवन डिवाइड बाय ट्वेंटी सेवन, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई माइनस ट्वेंटी टू डिवाइड बाय थ्री और बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन जीरो सेवन डिवाइड बाय ट्वेंटी सेवन। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए जेड इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू डिवाइड बाय थ्री प्लस आइटा इंटू, प्लस आइटा लिखा है ना तो ये माइनस इसके साथ शिफ्ट कर दिया वन जीरो सेवन डिवाइड बाय ट्वेंटी सेवन विद माइनस, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम सब चले हुए हैं, दस के दस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमने जस्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एक नया टॉपिक सीखा है तो उसका जो बेसिक ऑपरेशन है हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सिर्फ वो अप्लाई किए गए, इसके अलावा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टेन।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मतलब 11, 12 और 13 तीनों ही क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको हम जेड मान लेते हैं, तो यह है 4 - 3 आएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये होता है 1/z। तो रख देते हैं हम वैल्यू इसमें 1/z, जेड हमारे पास 4 - 3 आ गया। अब ये इसका आंसर है, लेकिन ध्यान रखेंगे जब भी आयता डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम उसको रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि हमें अपने आंसर को किस फॉर्म में लिखना होता है, a+ i/b। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम a+ i/b की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ये हो जाएगा 4+3 और यहां पे भी 4+3। 4+3 यहां पे देखो a - b a+b, तो a² - b² हो जाएगा, यानी कि 4² - 3 इट्स स्क्वायर। तो ये हो गया 4+3, 4² = 16 - हमारे पास आई है, और ये 3 इट्स स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर। ये हो गया 4+3 / 16 कितना होता है, -1। -1 होता है, तो -9 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +9 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 4+3 / 25। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4/25 प्लस, इसके डिवाइड में ये अलग कर दिया, और 3/25। तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक जस्ट हमें क्या लिखना है, 1/z, और उसको रैशनलाइज करके आंसर को निकालेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म तक उसको पहुंचा देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, ठीक किसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, जेड हमारे पास गिवन है √5 + 3 तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड कितना होगा, 1/z। तो जेड की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर हम, तो ये आ जाएगा √5 + 3। अब देखो यहां पे हमारे पास फिर वही सिचुएशन आई, आयता है, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, √5 - 3 और √5 - 3। ये हो जाएगा हमारे पास √5 - 3 / a+b a - b, तो वही a² - b² √5 - 3 इट्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास √5 - 3 / √5² 5 हो जाएगा, -3 से कितना मिलेगा, 9 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास √5 - 3 / 5 -1 के -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास √5 - 3 / 14। अगला कर देंगे तो ये √5 / 14 -3 / 14 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये किसी तरह से है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी, क्वेश्चन नंबर 13 में जस्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, -i/2। तो लिखेंगे कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड ये हो जाएगा 1/z, जेड की वैल्यू है हमारे पास -i/2, रैशनलाइज कर देते हैं। अब जस्ट आप आयटा करना चाहो तो आयटा भी कर सकते हो, और -i/2 करना चाहो तो -i/2 भी कर सकते हो। हमने सिंपल आयटा कर दिया, हमारे पास देखो कितना आएगा, ऊपर हो गया हमारे पास आयटा, नीचे माइनस तो है ही है, और ये आयटा स्केयर कितना होता है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आयटा / 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयटा।
तो ये आया हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। इसको अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचाना चाहो तो इसको लिख सकते हो जीरो प्लस वन आइटा, तो ये ए प्लस आइटा भी इस फॉर्म में हमने इसको पहुंचा लिया। एक बार ध्यान रखो, देखो हम कहते तो है ए प्लस आइटा बी, लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फॉर्म बनते हैं उसको लिखते हैं जैसे टू प्लस थ्री आइटा, तो थोड़ा ठीक रहता है ये कि इसको थ्री आइटा लिखे, जैसे हम ये ठीक उसी तरह से जैसे हम लिखते हैं टू एक्स फाइव एक्स, तो मान लो टू एक्स प्लस फाइव एक्स करना है तो कितना आ जाएगा सेवन एक्स, और टू एक्स माइनस फाइव एक्स करना है तो कितना आ जाएगा माइनस थ्री एक्स। अगर हम इसको ऐसे करें कि एक्स इंटू टू प्लस एक्स इंटू फाइव तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो थोड़ा ये अजीब सा लगेगा। ठीक उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम ये नहीं लिखते हैं, लेकिन इसकी कोरस्पॉन्डिंग लिखते इस तरह से है ताकि हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो जैसे हम हमारे पास एलजेब्रा में करते हैं तो उस तरह से करना वो हमारे लिए आसान रहे। तो आप इसको जीरो प्लस वन आइटम लिख सकते हैं या यहां पे भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर एक्सप्रेस थ्री प्लस आइटा रूट फाइव इंटू थ्री माइनस आइटा रूट फाइव डिवाइड बाय रूट थ्री प्लस रूट टू आइटा माइनस रूट थ्री माइनस आइटा रूट टू इन द फॉर्म ए प्लस आइटा। हम इसको फिलहाल जेड मान, अब आप देखेंगे कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा, देखो थ्री प्लस आइटा रूट फाइव थ्री माइनस आइटा रूट फाइव, तो ये थ्री स्केयर माइनस आइटा रूट फाइव इट्स स्केयर। अब यहां से रूट थ्री प्लस रूट टू आइटा माइनस रूट थ्री साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आइटा रूट टू लिख दो या रूट टू आइटा लिख दो। अब यहां से देखो माइनस रूट थ्री और प्लस रूट थ्री तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, जेड इज इक्वल टू यहां से ये नाइन हो गया, माइनस रूट फाइव से फाइव आ जाएगा और साथ में आइटा स्क्वायर डिवाइड बाई रूट टू आइटा और रूट टू आइटा, यानी कि टू रूट टू आइटा हो गया हमारे पास। आइटा स्क्वायर होता है हमारे पास माइनस वन, तो ये नाइन प्लस फाइव हो गया डिवाइड बाई माइनस वन की माइनस फाइव करेंगे तो प्लस का फाइव हो जाएगा, ये टू रूट टू आइटा, ये हो गया फोर्टीन डिवाइड बाय टू रूट टू आइटा। अब टू कैंसिल कर सकते हैं हम, यहां पे हमारे पास आ जाएगा सेवन डिवाइड बाय रूट टू आइटा। अब देखो आइटा नीचे आ गया तो रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें, आइटा हमारे पास नीचे आ गया तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, सेवन डिवाइड बाय रूट टू आइटा है तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज आप जस्ट आइटा से करना चाहते हो तो आइटा से कर दो, या फिर रूट टू आइटा से करना चाहते हैं रूट टू आइटा से कर दो। देखो कई बार हमारे पास क्या होता है कि अगर नीचे रूट थ्री आ जाता है तो इस आंसर को हम इसकी बजाय रूट थ्री यानी के रूट थ्री डिवाइड बाय थ्री इस तरह से लिखना ज्यादा बेटर समझते हैं, तो आप पूरा ही ले ले यानी के रूट टू आइटा और यहां पे भी रूट टू आइटा, तो ये कितना हो जाएगा सेवन रूट टू आइटा, यह जाएगा सेवन रूट टू आइटा डिवाइड बाई रूट टू से टू आ जाएगा और ये आइटा स्केयर माइनस वन यानी कि सेवन रूट टू आइटा डिवाइड बाय ये माइनस टू हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू, देखो सारा पार्ट आइटा वाला है यानी कि जीरो माइनस सेवन रूट टू डिवाइड बाय टू, सेवन रूट टू डिवाइड बाय टू आइटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने लिख दिया जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा, इससे कंफ्यूज मत होना कि आगे लिखा हुआ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे इस तरह से है लेकिन लिखना इस तरह से बैठ रहा है ताकि अलजेब्रा हम आसानी से समझ सके इसका। तो ये ए हो गया हमारे पास, ये हमारे पास बी हो गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, तो बस उसका कहने का अर्थ ये था कि जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है आइटा के बारे में स्टडी कर ली है
तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा भी समझ पा रहे हो या नहीं, यानी कि उनका प्लस माइनस कर पा रहे हो या नहीं, उनकी मल्टीप्लाई कर पा रहे हो नहीं, उनका डिवीजन कर पा रहे हो नहीं, तो इस चीज के लिए उसने ये सिंपल सा क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड दे दिया था। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1।